बड़े अफसोस के साथ आप लोगों के पास में, आपके लोगों के सामने आना पड़ रहा है कि आज हमारे मोहल्ले का एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 35 साल है, उसका नाम अयाज है, उर्फ अब्बू कहा जाता है, ये लड़का जो है जो रात में पोल्ट्री फार्म्स को जाकर मुर्गियां लेकर आकर रिटेल के दुकानों में डालने का काम करता था, ये बच्चा आज जो है उस बच्चे को चंद नामालूम अपराध ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। और ये कत्ल की वजह क्या है नहीं मालूम, आपसी मुखासिमत है ये क्या है नहीं मालूम, मगर वो बच्चे उस लड़के के दो बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, सास ससुरे हैं, साले हैं, इन तमाम लोगों का कल ये आज तो कत्ल हो गया बच्चा, मगर कल ये इसका परवरिश करने वाले कौन है, इन मासूम बच्चों का ज़िम्मेदार कौन होता है, ये कत्ल करने वालों को ये सोचना चाहिए। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब से, पुलिस डीसीपियों से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस शहर के अंदर ऐसा नागहानी वाक़ियात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर गांजा और जो है नशे के गोलियां खाकर नौजवान बच्चे तबाह ताराज हो जा रहे हैं। हमारे इन बस्तियों को देखिए और आगे के बस्तियों में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पुरसकून माहौल, अपने रात में जल्दी आकर सोकर अपने कामकाज को निकलने के माहौल में, मगर हमारे इन बस्तियों के अंदर मेडिकल हालों के पास जाकर देखिए, होटलों के पास जाकर देखिए, बस्ती के हर गली कुंचों पर जाकर देखिए, नौजवान बच्चे जिधर देखें नौजवान बच्चे दिख रहे हैं। हम पुलिस अहदेदारों से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को जो है काउंसलिंग कीजिए, उनको पुलिस स्टेशन ले जाइए, उनके वालिदैन को बुलाकर उनके वालिदैन की काउंसलिंग कीजिए, ताकि आइंदा ऐसे बच्चे जो है चबूतरों पे ना बैठे, गोलियां नशे के गोलियां ना खाएं और जो है गांजा वैसे जो है नशावर चीज़ों का जो है ना पिए। ऐसा पीने की वजह से खुद तो तबाह और ताराज होने वाले हैं और आने वाले दिनों में इनकी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। हम पुलिस अहदेदारों से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि देखिए हमारे इलाके के अंदर जहाँ कहीं भी गांजा बिक रहा है, उन लोगों को पकड़कर उनके कुफर किरदार तक पहुँचाइए, जिन जिन मेडिकल हालों पे और कहीं पे भी चोरी चकारी से जो है अगर ये नशावर गोलियाँ बिक रहे हैं तो उन लोगों को ताकुब कीजिए, पकड़िए। आपके लोगों के पास में जो है दूसरे काम करने के लिए अच्छा नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और आप ऐसे कामों के अंदर क्यों नेटवर्क, क्योंकि कहीं जहाँ एक आदमी गांजा पीते हुए जो आदमी को पकड़िए, उसके ज़रिए वो गांजा कहाँ से लेके आया, वो सिगरेट कहाँ से लेके आया, वो गोली कहाँ से लेके आया, उसको खुद पकड़ कर पुलिस तहकीकात कर जो बेचने वाले तक पहुँचने का ज़रिया बन सकती है, मगर पुलिस को हम सिखाना नहीं है। हमारी हैदराबाद की पुलिस स्मार्ट पुलिस, सारे हिंदुस्तान के अंदर जो है इसको स्मार्ट पुलिस के नाम से जाना जाता है, मगर ये स्मार्ट पुलिस इन लोगों को तक गांजा बेचने वाले तक पकड़ने में जो है नाकाम हो रही है और हमारे बच्चे तबाह होते जा रहे हैं। और मुकामी इलाकों के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग जो है और ज़्यादा करना चाहिए, और खाली कांस्टेबल बीसी से और पेट्रोलिंग की गाड़ियां नहीं, मुतालिका जो भी नेट ऑफिसर्स रहते हैं वो खुद भी जो है एरिया के अंदर फिरकर जो है रोडी चीटर्स का जो है ताकुब करना चाहिए, नशा करने वालों को भी जो है पकड़कर काउंसलिंग करना चाहिए, उनके ऊपर भी केसेस बुक करना चाहिए, ऐसे वाक़ात बार बार ना हो। और सदर मोहतरम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे वाक़ात दोबारा ना हो, कमिश्नर साहब से मुतालबा करें कई मरतबा। हम भी हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मोतमदीन तमाम वर्कर्स आपको हर किस्म से ताउन करने के लिए तैयार है। आप ऐसे लोगों को पकड़िए, हम भी निशानदेही, हमारे भी इल्म में आएंगे तो हम भी निशानदेही करेंगे। आप उन लोगों को पकड़कर उनके कुफर किरदार तक पहुँचाने का काम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।